हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कार जिज्ञासु। मैं लेके आया हूँ टोयोटा वेलफायर 2024 का, और ये देख सकते हैं ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा कार है। ग्रिल तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, साइड का लुक, फ्रंट लुक, बहुत सारे फीचर्स हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, मैंने पूरे वीडियो में आपको फीचर जो इसमें एक्स्ट्रा है, फ्यूचरिस्टिक कार है, उसमें एक्सप्लेन किया है। इंटीरियर फीचर जो पीछे की सीट्स हैं वो इम्पोर्टेंट मैंने एक्सप्लेन की है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका डोर ओपनिंग। सो देखिए, दिस इज द वेलफायर, जो डोर ओपनिंग है इस तरीके। सो रियर लुक हम देखेंगे, दिस इज़ द रियर लुक टोयोटा वेलफायर। कनेक्टिंग टेल लैंप है, और ये देखिए काफ़ी अच्छा है, सेवन सीटर है, बूट स्पेस भी अच्छा है। ऊपर सनरूफ के दो ग्लास है, लेकिन वो सनरूफ नहीं है, सनशेड है। पूरा वीडियो देखिएगा। 19 इंच के अलॉय व्हील है, डायमंड कट, एंड दिस इज़ द। हेलो दोस्तों, फिर हम लोग निकल चुके हैं हमारे जो पहले राइड की तरफ टोयोटा वेलफायर में। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लेविश डैशबोर्ड है, 2024 का नया वेरियंट है ये। और जो इंटीरियर है ये बेज कलर में इंटीरियर इसको दिया है, और डैशबोर्ड में काफ़ी बड़ा म्यूजिक सिस्टम आपको देख सकते हैं। और जो टनल आया तो ऑटो हेडलैम्प ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है, एंड जो डैशबोर्ड है उसी में आपको लेदर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टिचिंग दिया है। तो म्यूजिक सिस्टम हम देखेंगे, काफ़ी सारा सेटिंग्स है यहाँ पे, आपको पूरा ऑफलाइन नेविगेशन जो मिलेगा। इसी के अलावा आपको इसको एंड्रॉइड और एप्पल कार पे भी इसको आपको साथ में मिलेगा, और ये म्यूजिक से कंट्रोल्स हैं। तो JBL स्पीकर आपको इसमें दिए, 11 JBL स्पीकर। सोर्स में जाके हम अलग अलग म्यूजिक आपको यहाँ पे मिलेगा। और जैसे अब ये कार रुका है तो ट्रैफिक, और ये 360 डिग्री कैमरा आपको दिखा रहा है, ये फ्रंट कैमरा आपको दिखा रहा है, और ये 360 डिग्री आपको क्लियरली काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी के साथ रियर ट्रैफिक। यहाँ पे ड्यूल जोन टेम्परेचर कंट्रोल, जो टेम्परेचर नॉब दिया है ये देखिए काफ़ी कलरफुल है। और ये फ्रंट में ड्राइवर एंड को ड्राइवर को अलग है, और रियर पैसेंजर के लिए भी अलग दिया है। तो देर आर फोर क्लाइमेट कंट्रोल या क्लाइमेट जोन्स है। और यहाँ पे ये डैशबोर्ड देख सकते हैं, और ये गियर नॉब है, पावर, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइविंग एंड सिक्स स्पीड पैडल शिफ्टर के साथ दिया है। और ये मेमोरी सीट फंक्शन के साथ स्टीयरिंग मिलेगा, स्टीयरिंग में आपको हीटिंग भी फीचर मिलेगा। ड्राइवर सीट को हीटिंग एंड कूलिंग दोनों ऑप्शन है, एंड को ड्राइवर साइड को भी हीटिंग एंड कूलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे उसी के साथ इको ईवी मोड है, और ये E4 डिवाइस है, बिकॉज कैमरी में एक ही मोटर आता है, बट आपको वेलफायर में दो मोटर मिलेगा फ्रंट एंड रियर के लिए। बाकी डैशबोर्ड में यहाँ पे कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बॉक्स आपको मिल जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पे भी ये स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलता है, HDMI कनेक्टिविटी के साथ आपको ये मिलता है। इसी के अलावा काफ़ी सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो ड्राइवर सेटिंग्स, कार के सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे, या आप कस्टमाइज डैशबोर्ड कर सकते हैं, टायर प्रेशर, एनर्जी फ्लो एंड ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ये सारा आप यहाँ पे ईजिली सेट कर सकते हैं। और म्यूज़िक जो है वो तो काफ़ी लाजवाब है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस कार का, दैट इज़ योर रियर सीट्स। हम लोग रियर सीट जो देखेंगे इसका, तो रियर सीट आप देख सकते हैं इसकी, ये जो दोनों रियर सीट्स हैं ये सीट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑटोमन सीट्स के साथ मेमोरी सीट फंक्शन मिलता है, और रियर सीट के कंफर्ट के लिए टोयोटा वेलफायर को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये न्यू वेरिएंट का तो वेटिंग भी एक साल है। तो इंटीरियर देख सकते हैं बेज कलर में, यहाँ पे सनशेड दिया है दोनों साइड में, थर्ड रो में भी सनशेड है यहाँ। सो वी आर ओपनिंग दैट। तो डोर के और इंटीरियर के सारे फीचर्स देखेंगे, लेट्स सी। पीछे वाली सीट्स पे तो फ्रंट स्क्रीन तो आपने देखी थी, और ये हमारी रियर स्क्रीन्स है जो आपको कंट्रोल होती है यहाँ से, ये जो डिवाइस है यहाँ से आपको ये कंट्रोल कर सकते हैं। और ये डिवाइस आपको दोनों सीट्स के लिए, जो ये सीट है लेफ्ट राइट, दोनों सीट्स के लिए यहाँ पे डिवाइस मिलेगा। और ये डिवाइस आपको पूरा कंट्रोल्स हैं इस कार का, ये दोनों डिवाइस जो मोबाइल डिवाइस है इसको आप डायरेक्टली हाथ में भी ले सकते हैं, हैंड्स फ्री है, और डायरेक्टली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं डिवाइस के मेन मेनू में आता हूँ, तो इतने सारे कंट्रोल्स आपको इसके मेन मेनू में मिलेंगे, जो मैं आपको पूरा डिटेल में दिखूंगा। देखिए वीडियो स्पेशली बना है फीचर्स डिटेल के लिए, कि इतनी लग्जरी कार में क्या फीचर्स आए। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये आपको कप होल्डर है, और ये सीट्स का जो अर्गोनॉमिकली सीट एडजस्टमेंट है, यहाँ से रिक्लाइन करने के लिए, और यहाँ से आपको अगर मैंने किया तो ये थाइस जो है वो आपको ऑटोमेटिकली आगे आ चुकी है। यहाँ पे सीट्स का हीटिंग है, और यहाँ पे आपको सीट्स का कूलिंग है, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल में भी आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जो एसी कंट्रोल्स है, यहाँ पे 4 जोन एसी है, फ्रंट में 2 जोन वहाँ पे आपने देखा, ये पीछे का रियर 2 जोन है जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के साथ ये जो शेड है ये साइड का बंद और चालू कर सकते हैं, देखिए शेड ऊपर हो गया, और वापस से मुझे शेड को बंद करना है, तो ऑटोमेटिकली रियर शेड और फ्रंट शेड ये दोनों में हो जाएगा। अभी मैं राइट साइड का ओपन कंट्रोल कर रहा हूँ, ये देखिए रियर शेड हो गया है यहाँ पे ओपन, और रियर शेड को मैंने बंद कर दिया, तो यहाँ से इसको कंट्रोल दिया है। अब रूफ शेड, यहाँ पे एक और ऑप्शन है रूफ शेड का,
ये देखिए रूफ शेड ओपन हो गया है, ये आप रूफ देख सकते हैं। सनरूफ ओपन नहीं होगा, इतनी लग्जरी कार में सनरूफ का ज़रूरत भी नहीं है, बट ये रूफ शेड का ऑप्शन काफ़ी अच्छा दिया है जो आपको डायरेक्टली स्काई दिखा सकता है, डायरेक्टली आप उसको देख सकते हैं। तो रूफ शेड हो गया, यहाँ से आपको रीडिंग लाइट्स भी दिया है, देखिए रीडिंग लाइट्स, ये रीडिंग लाइट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर रीडिंग के लिए आपको यूज़ होती है। और ये रीडिंग आप कब करेंगे, ये देखिए मैंने आर्मरेस्ट ओपन किया है, यहाँ से ये हमारी ट्रे ओपन की है मैंने, ये देखिए ये ट्रे निकल चुकी है यहाँ से अंदर। और ये मिरर है, हम डायरेक्टली ये मिरर भी आपको यहाँ पे देखा सकता हूँ, ये मिरर आपको डायरेक्टली आपके मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। यहाँ लैपटॉप रख सकते हैं हम लोग, खाना भी खा सकते हैं, स्नैक्स वगैरह एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसको ट्रे दिया, रीडिंग लैम्प डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल होकर हमारे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग डाल सकते हैं। तो ये टेबल जो है आपको दोनों साइड मिलेगा, ये देखिए मैंने दोनों ओपन कर लिया है, और ये टेबल भी मैंने यहाँ की टेबल ओपन कर दिया। सो ये देखिए अभी आपको ये बंद कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये दोनों टेबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पीछे में HDMI कनेक्टिविटी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग सबसे फास्ट फॉरवर्ड आपको फीचर्स दिखाता हूँ, ऑडियो। ऑडियो अभी ये जो म्यूज़िक सिस्टम मैंने यहाँ से ये बंद कर दिया ऑडियो, तो रियर बंद करने के बाद डायरेक्टली स्क्रीन जो है फोल्ड हो जाएगी, पूरा स्क्रीन पे HDMI कनेक्टिविटी दिया है। और डायरेक्टली मैंने अगर ओपन किया तो ओपन भी हो जाएगी, मैंने इसे वापस से फिर से क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक करने के बाद ओपन हो गई है। ये स्क्रीन का जो टिल्ट है, आप यहाँ से टिल्ट भी जितना डिग्री घुमाना है टिल्ट तो वो आप घुमा सकते हैं, देखिए स्क्रीन आपको घूम रही है, टिल्ट हो रही है। और वापस से अगर मुझे वॉल्यूम यहाँ पर कंट्रोल करना है कोई, तो वॉल्यूम यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। मेनू में जाके हम लोग यहाँ पर स्क्रीन का मेनू है, देखिए मैंने स्क्रीन का मेनू भी यहाँ से कंट्रोल किया है, ये आपको लेफ्ट राइट और यहाँ पर रियर मीरा कास्ट ऑप्शन है जो मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रंट ऑडियो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लाइमेट कंट्रोल जो AC कंट्रोल 22.5 का टेम्परेचर, अभी आप ऊपर भी स्क्रीन पे देखिए मैंने ये टेम्परेचर चेंज किया है 22 किया, ऊपर भी स्क्रीन पे भी देखिए वहाँ पे भी चेंज हो रहा है, मैंने यहाँ पे कम किया तो यहाँ पे खाली रिमोट से एक्सेस दिया है, डायरेक्टली आप रिमोट से टेम्परेचर और फैन स्पीड, ये फैन स्पीड भी यहाँ से कम और ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, तो ये फैन स्पीड भी यहाँ से कंट्रोल हो गया है। और उसी के अलावा थर्ड ऑप्शन इज़ योर लाइट्स, सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये लाइट्स अभी ऑन है, अगर मैंने ये डिवाइस है डिवाइस से मैंने क्लिक किया और मुझे लाइट्स ऑफ़ करनी है तो मैंने लाइट ऑफ़ किया है यहाँ पे, ये देखिए ऑफ, ये लाइट ऑफ हो चुका है, ये दोनों लाइट ऑफ हो गया, तो मैंने वापस से लाइट ऑन किया तो लाइट ऑन हो गया। ब्राइटनेस अगर मुझे कम करना है, कम और ज़्यादा करना है तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगा। दूसरा इसमें है रीडिंग लाइट, ये जो रीडिंग लाइट है ये अभी ऑन है, उसको ऑफ़ करना है, ये देखिए ऑफ हो गई है, मैंने यहीं से किया है कंट्रोल, ये डिवाइस से ही आपको ऑन एंड ऑफ हो रही है। और तीसरा ऑप्शन है इल्यूमिनेशन, ये देख सकते हैं इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन में यहाँ पे लाइट्स है, देखिए ब्लू कलर की लाइट है और यहाँ पे ऑप्शंस है, कलर ऑप्शंस, मैंने यहाँ पे अभी रेड कलर ऑप्शन सेलेक्ट किया तो रेड लाइट आ गई है, अगर मैंने दूसरा कलर ऑप्शन किया दूसरा आ गया, ग्रीन अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ये ग्रीन कलर की लाइट आ गई। नाइट में जनरली ये लाइट अच्छी दिखेगी, और यही लाइट आपको ये साइड में भी दिया है, तो आप देख रहे हैं ये ड्राइवर के पीछे वाले जो सीट्स है, दोनों सोफा सीट्स है, वहाँ पे ये लाइट का ऑप्शन इल्यूमिनेटर, और जो है वो सब कुछ डिवाइस से कंट्रोल हो रहा है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है फीचर इसके अंदर, हमने लाइट्स देखा है यहाँ पे, अब आता है हमारा शेड। तो ये शेड है हमारा, देखिए सनरूफ का जो शेड है ओपन, मैंने अगर यहाँ पे किया, मैंने जस्ट क्लिक किया ओपन, ये देखिए शेड शेड ओपन हो चुका है, मैंने कोई भी दूसरा बिना और क्लोज़ किया मैंने तो डायरेक्टली ये क्लोज हो गया। अगर मुझे लाइट वाला भी करना है तो मैंने ये ओपन किया, ये देखिए ओपन हो गया, और वापस से मैंने क्लोज़ का बटन दबाया, ये देखिए क्लोज़, तो ये क्लोज़ हो चुका है। उसी के साथ आप अगर साइड के जो सनशेड है, ये फ्रंट का साइड है, अगर इसको मैंने हाफ़ ओपन करना है, देखिए मैंने इसको हाफ़ ओपन किया, यहाँ पे स्लाइड करके हाफ ओपन किया, तो ये देखिए हाफ़ ओपन हो चुका है। अगर मुझे फिर से बंद करना है, मैंने बंद कर दिया और ये बंद हो गया। वैसे हमें रियर का भी करना है तो रियर के भी कंट्रोल्स यहाँ पे हो जाएंगे, तो ये शेड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलता है। फिर आता है हमारा सीट का, सबसे इंपॉर्टेंट है सीट का रिक्लाइनिंग। तो ये अगर मैंने राइट साइड का मैंने सेलेक्ट किया सीट, राइट साइड का सीट सेलेक्ट करने के बाद, अभी पैसेंजर नहीं है तो यहाँ मैसेज दिखा रहा है, बट मैं यहाँ बैठा हूँ लेफ्ट साइड में, तो मैं लेफ्ट में सेलेक्ट करूँगा, और ये रिक्लाइन और ये सीट भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सीट को क्लिक किया है, यहाँ से ही सीट को मैं एडजस्ट आगे पीछे कर सकता हूँ। कंफर्ट जोन में आप लोग यहाँ पे कंफर्ट जो है AC का कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ, जो यहाँ पे मैनुअली सीट एडजस्टमेंट था वहीं पे आपको डिवाइस पे मिल जाएगा। और रिलैक्सेशन, यहाँ पे मसाजर है जो हम लोग फॉर्मली अगर सेलेक्ट करेंगे तो मसाजर स्टार्ट हो चुका है। ये जो सीट्स है यहाँ दोनों पीछे बैक में और यहाँ पे फ्रंट में, हम जो जहाँ बैठे हैं यहाँ पे सीट ऑटोमेटिकली ये मसाजर स्टार्ट हो जाता है। और ये मसाजर को मैंने दो कंट्रोल सेटिंग्स है, वीकली एंड फर्मली, तो वो सेटिंग आप मसाजर का यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ऑफ़ कर दिया मसाजर को, फिर से मैन मेनू में जाके मैंने ऑडियो में जाके
ये डिस्प्ले का मैं कुछ अभी काम नहीं है तो मैंने डिस्प्ले बंद कर दिया है। फिर डिस्प्ले बंद होने के बाद तो बेसिकली इतने सारे फीचर्स हैं टोयोटा वेलफायर में, और ये अभी तो इंडिया में रिसेंटली 24 मॉडल लॉन्च हुआ है और सबसे ज़्यादा वेटिंग पे चल रहा है कार, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पे है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखिए इतना अच्छा इंटीरियर है, पीछे से अगर मैं दिखाऊँ तो ये दोनों सोफ़ा सीट्स है, और ये सीट्स का जो कम्फर्ट है ये आपको थर्ड रो के अंदर भी मिलता है, थर्ड रो में भी आप तीन लोग बैठ सकते हैं। वैसे यहाँ पे 3, 2, 5 एंड फ्रंट और 2 इट्स योर 7 सीटर, और वो रिक्लाइनिंग सीट हेडरेस दिया है। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह जो है मैंने जैसे आपको दिखाया, ये सारा आपको साउंड भी है, 11 JBL स्पीकर है, ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ऑटोमन सीट्स है, ये सारे कुछ इंटीरियर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको गूगल होल्डर और पीछे के साइड में भी यहाँ ऊपर में गूगल होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफ़ी पुरानी जो वेलफायर थी उससे तो काफ़ी अच्छा बनाया है। 1,60,00,000 प्राइस है इसका, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑन बोथ एक्सेल्स।